हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए नई बेल लेके आई हूँ। ये देखिए, एकदम जाली वाली है और ये जैकेट में बहुत ही सुंदर लगती है। जैकेट हो या कार्डिगन हो, इन दोनों चीज़ों में प्रयोग की जाती है। बेबी जैकेट में भी डाल सकते हैं इसको। ये देखिए, बहुत ही अच्छा लगता है। ये देखिए, मैंने 6 फंदों से बनाई है। आप इसके बीच में कोई बेल भी डाल सकते हैं या गैप देने के लिए ज़्यादा फंदे भी रख सकते हैं। ये देखिए, मैंने ये 9 नंबर से बनाई है और ये थोड़ा मोटा ऊन है। मैं बताती हूँ इसको मैंने कैसे बनाया। ये 6 फंदों से बनाई गई है, इसमें ज़्यादा फंदे मैंने नहीं डाले हैं। आप चौड़ाई ज़्यादा रखना चाहें तो चौड़ाई ज़्यादा रख सकते हैं, उसमें 8 फंदे कर लें, 10 फंदे कर लें, लेकिन जोड़े के हिसाब से ही करें। ये देखिए, मैंने पहले 2 उल्टे फंदे लिए, फिर आगे धागा रखते हुए इसी बेल को ये स्टार्ट की जाती है जब उस टाइम का है। ये 6 फंदे हैं, इन 6 फंदों को पहले इस फंदे को हम पलट लेंगे और आगे धागा रखते हुए इन दोनों का एक बनाकर पीछे की साइड घटा देंगे इस प्रकार, और बाकी फंदे हम सीधा बना लेंगे। ये देखिए, ये हमारे 4 फंदे सीधे बन गए। 6 फंदे थे इसमें, 6 में से एक यहाँ 2 का 1 किया है तो 1 बन गया, 1 कम हो गया। वो 1 कम होने की वजह से ये हमारी यहाँ पर जाली बन गई, जो साथ के साथ हमारा बढ़ गया है। 2 फंदे हम उल्टे बनाएंगे और इधर ही धागा रख के इस फंदे को पलट कर पहले वाले को, जिससे हमारी चैन सीधी बने, और इन दोनों का 1 कर देंगे इस प्रकार। ये देखो, और इन बाकी फंदों को सीधा बना देंगे। उल्टी सिलाई में हमने कुछ नहीं करना है, उल्टी सिलाई हमारी उल्टी बनेगी। अब सेकंड सिलाई में पहले ये 2 फंदे मैं उल्टा बना लेती हूँ। आप जितने 4 फंदे भी रख सकते हैं यहाँ पर उल्टा पीछे धागा करके। अब हमें आगे धागा रख के ही पीछे नहीं बनाना है। सेकंड सिलाई में हमने जो ये जाली वाला फंदा था इसको हमने सीधा बनाना है, सीधा बनाकर फिर धागा आगे करना है, और फिर इस फंदे को बदल कर जो पहले हमने घटाया था उसी फंदे के ऊपर बदल कर इस दोनों का 1 बनाना है इस प्रकार से, और बाकी 3 फंदे हमारे उल्टे बन जाएंगे। ऐसे ही यहाँ पर पहले धागा आगे नहीं करना, पहले इस सीधे फंदे को बनाना है, जो जाली वाला फंदा था उसको बनाना है, फिर आगे धागा करेंगे, फिर इस फंदे को पलट देंगे, पलटने के बाद फिर 2 का 1 कर देंगे। और ये अब हमारी उल्टी सिलाई, ये मोटी ऊन में बहुत ही उभर कर आता है और बहुत ही सुंदर लगती है जैकेट। ये देखिए,
अब तीसरी सिलाई, पहले हमने यहाँ पर एक सीधा बनाया था, यहाँ एक ही जाली थी, अब हमने दो जाली डाल ली तो यहाँ पर हम दो सीधे फंदे बनाएंगे। इस प्रकार दो सीधे फंदे बनाकर फिर आगे धागा करेंगे और ये फंदा बदल कर इन दोनों का एक बना देंगे और ये दो फंदे हमारे सीधे बनेंगे। ऐसे ही इधर ये दोनों फंदे जाली के हैं तो हम इन दोनों फंदों को पहले बना लेंगे, बनाने के बाद जाली डाल देंगे जिससे हमारी जाली जो है तिरछी बनती हुई चली जाएगी। उल्टी सिलाई, उल्टी सिलाई हमारी उल्टी ही बनेगी, अपनी तरफ धागा रख के ये देखिए तीन सिलाई हो चुकी, अब तीन जाली बन गई यहाँ पर, तीनों फंदे हम सीधा बनाएंगे। ये आगे धागा करके इसको पलट कर फिर इन दोनों की एक जाली बनाएंगे और ये एक फंदा बच गए, इसको सीधा बनाएंगे। ये देखो इधर भी तीन फंदे हैं, तीनों को सीधा बनाएंगे फिर आगे धागा करेंगे, फंदा पलटेंगे और दोनों का एक बनाएंगे। उल्टी सिलाई, यह देखिए अब यहाँ पर हमारे चार फंदे बन गए हैं सीधे और दो फंदे इधर हैं। ये छह फंदों का डिजाइन था इसलिए दो फंदे इधर हैं। अब अगली सिलाई देखिए, यहाँ पर हमने अब चार फंदे सीधे बनाने हैं, ये और आगे धागा रख के इन दोनों फंदों का एक बनाना है। ये हमारी डिब्बी पूरी हो गई। अब उल्टी सिलाई के बाद इस डिब्बी को हमने चेंज करना है, पूरा इसी तरह पूरी जाली क्लियर करके, ये देखो पूरी कंप्लीट करके फिर दूसरी डिब्बी शुरू हो गई। अब मैं उल्टी सिलाई बना लेती हूँ फिर बताती हूँ दूसरी डिब्बी कहाँ से निकालनी है। ये हमने दो फंदे उल्टे ले लिए, यहाँ पर अब हम पांच फंदे सीधे बना रहे हैं। अब ये देखिए ये हमारे पांच फंदे सीधे बनाने हैं हमने, लेकिन अब मैंने चार फंदे सीधे बनाए हैं क्योंकि अब यहाँ से डिब्बी मैं दूसरी शुरू करूँगी जो ये ऐसे घूमकर इधर आएगी। चार फंदे दो फंदों से यहाँ पर स्टार्ट हुई थी और दो फंदों से ही यहाँ पर स्टार्ट होगी,
ये देखो दो फंदे हो गए, एक जाली वाला है और एक जो डिब्बी ख़त्म हुई वो है। अब इन दोनों फंदों को धागा पीछे रखे हुए ही हम दोनों फंदों का एक बनाएंगे। ऐसे शुरू करते समय ऐसे बनाना है और फिर पीछे धागा रखे हुए ही एक फंदा इस प्रकार से बनाना है, क्योंकि ये जो फंदा हमारा कम हो गया है वो फंदा हमारा यहाँ पर बढ़ गया है। अब हम चार फंदे फिर बनाएंगे, ये देखिए ये दोनों फंदों का एक बनाएंगे पहले, फिर पीछे धागा रखे हुए इस उल्टे फंदे को इस प्रकार से बना लेंगे। अब ये उल्टी सिलाई, जो ये हमारा धागा इधर से गया था इसको हम बना लेंगे। अब हम उल्टी सिलाई बना रहे हैं, उल्टी सिलाई में ये जाली वाला फंदा जो है हमने गिराना नहीं है, इसको बनाना है। ये देखो यहाँ पर ये जाली वाला फंदा है, इसको बनाना है। अब दूसरी सिलाई में हमने क्या करना है, तीन फंदे हमने पहले बना लिए, अब इन दोनों फंदों का चौथा फंदा और जो ये जाली वाले से पहले है जो ये चैनी फंदा है इन दोनों का एक करना है। पहले जाली नहीं डालनी है, पहले फंदे का एक करना है, फिर आगे धागा करके इस फंदे को सीधा बनाना है। ये जाली वाला फंदा था पहले वाला, ये अब ये सीधा बनेगा। अब जितने फंदे यहाँ पर बनेंगे वो सब सीधे होते चले जाएंगे, जैसे हमने पहले किया था इसी प्रकार से आप बनाइए। ये देखिए ये तीन फंदे हो गए, अब इसको दो का एक कर देंगे हम, फिर धागा आगे करेंगे, फिर एक फंदे को बना लेंगे। अब अगली बार हम दो फंदे बनाएंगे यहाँ पर और धागा आगे कर लेंगे यहाँ से, इस प्रकार से जैसे पहले हमने बनाया है इसी प्रकार आप बनाइए। ये चैन इधर चली जाएगी, जाली इधर आ जाएगी और ट्राई करके देखिए, बहुत सुंदर डिजाइन बनेगा। पसंद आए तो बताना, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे घंटी के बटन को दबाना मत भूलिए।